हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हरियाणा के मुख्य समाचार की ताजा बुलेटिन में। यहाँ पर लेकर आ गए हरियाणा की टॉप 25 फटाफट ताजा खबरें। तो जी हाँ, अगर आप हरियाणा के किसी भी जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो पर एक प्यारा सा लाइक कर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप रोजाना हरियाणा की लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हैं तो भी आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिले। तो जी हाँ, शुरू करते हैं हरियाणा के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर से। तो जी हाँ, बता दें कि हरियाणा के जाखल नगर पालिका के प्रधान व उप प्रधान पद के लिए होने वाले चुनाव स्थगित। जाखल नगर पालिका के प्रधान व उप प्रधान पद के लिए होने वाले चुनाव स्थगित कर दिए गए हैं। चुनाव को लेकर के 2 अगस्त का दिन चुना गया था, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते ये चुनाव स्थगित कर दिए गए हैं। अब ये चुनाव 5 अगस्त को होंगे। हालांकि संबंधित विभाग के द्वारा चुनाव को लेकर के व्यापक प्रबंध किए जा चुके थे। नगर पालिका जाखल के लिपिक अनिल कुमार ने बताया कि वहीं चुनाव के संबंध में पत्र अभी मेल से प्राप्त हुआ है, जिसमें से आज के दिन होने वाले चुनाव को स्थगित करके 5 अगस्त को करवाने की बात कही गई है। दीपेंद्र हुड्डा संसद में कृषि कानूनों पर चर्चा को लेकर के अड़े, एक बार फिर दिया नोटिस। हरियाणा से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा कृषि कानून पर चर्चा को लेकर अड़े हुए हैं। वहीं दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बार फिर केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों पर चर्चा करने के लिए राज्यसभा में नियम 267 के तहत बिजनेस नोटिस दिया है। अगली बड़ी खबर है रोहतक जिले से। बता दें कि भारतीय सेना में भर्ती होने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए जरूरी खबर है। आया ये बड़ा अपडेट, भारतीय सेना की वर्दी पहनने का सपना संजोए बैठे युवाओं के लिए एक निराशाजनक खबर है। रोहतक में होने वाली भारतीय सेना की भर्ती स्थगित हो गई है। इस भर्ती के लिए युवाओं को एडमिट कार्ड मिलना शुरू होने थे, लेकिन इससे पहले ही भर्ती स्थगित हो गई है। भारतीय सेना की इस भर्ती की प्रक्रिया 20 अगस्त को शुरू होनी थी, लेकिन रोहतक, झज्जर, सोनीपत और पानीपत जिले के लिए 20,000 युवाओं ने रजिस्ट्रेशन किया हुआ था। हमारी छोरियाँ ने टोक्यो ओलंपिक में रचा इतिहास, सेमीफाइनल में पहुंची हॉकी की टीम, हरियाणा में जश्न। बता दें कि इस कहावत को भारतीय महिला हॉकी टीम ने साबित कर दिखाया है। महिला हॉकी टीम ने ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने बीते क्वार्टर फाइनल में 3 बार की ओलंपिक चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हरा दिया है, जिसके बाद भारत की टीम सेमीफाइनल में जगह बना ली है। महिला हॉकी टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद देश सहित हरियाणा में जश्न का माहौल है। इस महिला हॉकी टीम में हरियाणा की 9 खिलाड़ी शामिल हुई हैं। किसान आंदोलन में शामिल 4 युवक चोरी की वारदात को दे रहे थे अंजाम, लोगों ने 3 को मौके पर दबोचा। टिकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन पर भाग लेने आए 4 युवकों पर दुकान के तार तोड़कर मोबाइल, गैस सिलेंडर, बर्तन और अन्य सामान चोरी करने की आरोप लगे हैं। इस मामले में दुकानदारों ने चोरी की वारदात को अंजाम देकर भाग रहे 3 युवकों को मौके पर ही दबोच लिया। वहीं एक युवक अंधेरे का फायदा उठाकर के मौके से फरार हो गया। पकड़े गए 3 आरोपियों को स्थानीय लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया। 3 आरोपी पंजाब बठिंडा के रहने वाले हैं और पिछले लंबे समय से किसान आंदोलन में शामिल हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आरोपियों को आज पुलिस कोर्ट में पेश करेगी। अखिल भारतीय सेवा संघ की नवनियुक्त जिला कार्यकारिणी को दिलाई शपथ। बता दें कि इलाहाबाद से बड़ी खबर है। समाज सेवा अग्रणी संस्था अखिल भारतीय सेवा संघ की नवनियुक्त जिला कार्यकारिणी को शपथ दिलाई गई है। शपथ समारोह का आयोजन होटल RC रेजेंसी में किया गया। इस कार्यक्रम में नवनियुक्त जिलाध्यक्ष एडवोकेट बीरेंद्र सिंह भाटू, जिला संयोजक एडवोकेट सुरेंद्र सरदाना व जिला सचिव डॉक्टर वरुण गोदारा को संघ के प्रदेश अध्यक्ष इंद्र गोयल ने शपथ दिलवाई और इसके बाद उन्हें पद ग्रहण करवाए। चढ़ोनी ग्रुप के जिला अध्यक्ष को पुलिस ने किया गिरफ्तार, कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। भारतीय किसान यूनियन चढ़ोनी ग्रुप के जिला अध्यक्ष को सुनील जाखड़ को पानीपत पुलिस ने गिरफ्तार करके उसे जेल भेज दिया है और वहीं जाखड़ को कोर्ट में पेश भी किया है और जहां उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। अगली बड़ी खबर है मोरनी हिल। घूमने आए परिवार की गाड़ी खाई में गिरी, 3 बच्चे और पति पत्नी थे सवार। पंचकुला के मोरनी में घूमने आए एक परिवार की गाड़ी अनियंत्रित होकर खाई में लुढ़क गई। गनीमत ये रही कि कोई जान मान का नुकसान नहीं हुआ। इस हादसे में पूरा परिवार बाल बाल बच गया है। जिस समय यह हादसा हुआ उस दौरान कार में 3 बच्चों सहित पति और पत्नी सवार थे, हालांकि कुछ को चोटें जरूर आई हैं। तो जी हाँ, बता दें कि साक्षी मलिक को पछाड़कर टोक्यो पहुंचने वाली सोनम पर देश की नजर। वहीं आज है पहला मुकाबला। साक्षी मलिक को पछाड़कर टोक्यो पहुंचने वाली सोनम मलिक पर आज देश की नजर होगी। सोनम मलिक का 62 किलो भार वर्ग में
पहला मुकाबला मंगोलिया के पहलवान से होगा। 19 वर्षीय सोनम मलिक हरियाणा के छोटे से कस्बे गोहाना की मदीना गांव में पली बड़ी है। कुश्ती से उसका जबरदस्त लगाव है। जान लेते हरियाणा का मौसम अपडेट। हरियाणा में 5 अगस्त तक जारी रहेगा मानसून का कहर। हरियाणा के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। बता दें कि भारतीय मौसम विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश भर के भीतर आगामी कुछ दिनों तक एक बार फिर से मौसम सक्रिय होने वाला है और हरियाणा में के चलते 5 अगस्त तक जोरदार बारिश होने की संभावना है और जिसके साथ आंधी तूफान के साथ तेज बारिश भी होगी। वहीं कई जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया है जिसमें से मेवात, पलवल, फरीदाबाद, झज्जर, गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और रोहतक जिले शामिल हैं। मेगा प्रोजेक्टों को आकर्षित करने के लिए बनाई विशेष सब्सिडी योजना, दुष्यंत चौटाला ने किया ऐलान। बता दें कि हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में अधिक से अधिक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए नेट SGST के बदले निवेश सब्सिडी की योजना तैयार की है। इसके तहत MSME लेकर से अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्टों पर सभी को यह सब्सिडी दी जाएगी। अगली बड़ी खबर रेवाड़ी जिले से। बता दें 15 दिनों से घर में घुसा है बरसाती पानी। विधायक के साथ लोगों ने जताया रोष। मानसून की बरसात के बाद देश के कई राज्यों में जलभराव की स्थिति से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। हरियाणा के धारूहेड़ा में पिछले 15 दिनों से बरसाती पानी घरों में घुसा हुआ है जो लोगों की समस्या बन गया है। पानी की निकासी को लेकर के स्थानीय लोगों के साथ विधायक चिरंजीव राव ने भी पानी में पैदल चलकर के जिला प्रशासन की नाकामी पर रोष जताया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर ने वहीं कर्मचारियों को सरकारी आवास आवंटन की प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के लिए आज वहीं आवास.हरियाणा.pwd.gov.in पोर्टल लॉन्च किया है। वहीं सीएम ने कहा है कि कर्मचारियों को बिना किसी सिफारिश से उनकी वरिष्ठता के आधार पर सरकारी आवास मिलना चाहिए। हरियाणा में अब आंगनबाड़ी केंद्रों में प्ले स्कूल की तर्ज पर तैयार होंगे नौनिहाल। हरियाणा के आंगनबाड़ी केंद्रों में नई शिक्षा नीति के तहत 3 से 6 साल आयु वर्ग के बच्चों को प्ले स्कूल की तर्ज पर तैयार किया जाएगा। इससे वे पहली कक्षा में जाने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहेंगे। तो जी हाँ, ये थी अपडेट हरियाणा के मुख्य समाचार की। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।